आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज नाटिका हम आपको सुनवा रहे हैं शरारत, लेखक सलाम बिन रज्जाक, निर्देशक डियर महेश। आज की इस दावत के लिए धन्यवाद। खाना बड़ा मजेदार रहा। वाकई यार, ये होटल तो बड़ा शानदार है। इतने बड़े होटल में खाना खाने का ये मेरा पहला मौका है। इतना महंगा खाना खाने के बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकता। राजू घटताओ भी इन बातों को, मैं भी यहाँ रोज थोड़े आता हूँ। अलबत्ता जब भी आता हूँ यहाँ मुझे खाना अच्छा ही मिलता है। वेटर, वेटर। यस सर। तुम बर्तन हटा सकते हो। ओके सर। और सुनो, अब 5-7 मिनट रुक कर दो प्याले कॉफी ले आना। यस सर। महेश, सुना है आजकल तुम्हारी आय बड़ी अच्छी हो गई। लोगों का ख्याल है कि तुम खूब रुपया कमा रहे हो आजकल। थोड़ा बहुत रुपया तो है मेरे पास। असल में मैं रुपया कमाने की कला से अच्छी तरह वाकिफ हो गया हूँ। मेरे लिए अब हर काम लाभदायक है। सच? अरे यार, फिर तो 2-4 नुस्खे हमें भी बता दो। तुम तो नौकरी करने वाले आसामी हो, रुपया तो व्यापार में कमाया जाता है, व्यापार में। ये बात तो सच है, मगर एक बात बताओ, तुम तो अकेले रहते हो, इतने रुपए का करते क्या हो? खाना पीना और मौज करना। भाई तुम्हारे पास रुपया नहीं है ना, इसलिए रुपए को लेकर तुम इतने उत्सुक हो। तुम रुपए को बेकार का महत्व देते हो, वरना रुपया तो ऐसी चीज है कि कोई इसे मुफ्त में भी लेना पसंद नहीं करेगा। क्या बात करते हो यार, कोई रुपया मुफ्त में लेना पसंद नहीं करता। कहता हूं, तुमने कभी किसी को यूं ही मुफ्त रुपया दे डालने की कोशिश की? मैं इस तरह फालतू पैसे नहीं उड़ाता। अच्छा, तुम्हारी जेब में इस वक्त कितना रुपया? क्यों, होंगे कोई 50-100 रुपए। जाओ किसी को 40-50 रुपए यूं ही देने की कोशिश करो, देखो कोई नहीं लेगा। मैं नहीं मानता। और फिर मैं अपने रुपए क्यों दूं? तुम दो। अच्छा चलो यूं ही सही। ये देखो, ये कितने नोट है? ये हैं 5, 10-10 के 5। ये लो, ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मुझे? तुम इन्हें लेना पसंद करोगे? अरे मैं हरगिज नहीं। मेरी बात और है भाई, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। जब दोस्त ही लेने से इनकार कर रहा है तो दूसरा कौन लेगा? भाई मैं इस बात में मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार, अब मैं तुम्हारे रुपए यूं ही क्यों कर ले सकता हूँ? मगर कोई दूसरा आदमी ये रुपए आसानी से स्वीकार कर सकता है? नामुमकिन। क्या बात करते हो यार, इस रेस्टोरेंट में बैठा हुआ कोई भी आदमी इन रुपयों को खुशी से स्वीकार कर सकता है। आजमा कर देख लो। अच्छी बात है, तुम ये नोट मुझे दो, मैं इन्हें चुटकियों में किसी को देकर आता हूँ। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो अवश्य करो, मगर मुझे विश्वास है कि तुम इन्हें दोबारा मेरे ही पास लाओगे। लाओ नोट तो मुझे दो। वो देखो, वो खिड़की के पास जो बूढ़ा बैठा है ना, मैं उसे ये नोट देने जा रहा हूँ। अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं खाली हाथ लौटूंगा। जाओ कोशिश करो। अरे देख तो सही। Excuse me. Yes? अंकल, ये मेरे पास 50 रुपए के नोट हैं। So what? मुझे इनकी जरूरत नहीं है, क्या आप इन्हें लेने का कष्ट करेंगे? क्या कहा? मेरा मतलब है, ये 50 रुपए मैं आपको देना चाहता हूँ, आप इन्हें लेना पसंद करेंगे? आप 50 रुपए मुझे देना चाहते हैं? जी। बैठ जाइए मिस्टर, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सचमुच ये 50 रुपए आपको देना चाहता हूँ। आप किसी नाटक कंपनी में तो काम नहीं करते? क्यों? विचित्र बातें केवल नाटकों में ही संभव होती हैं। देखिए, हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हैं। जी। मेरी समझ में नहीं आता मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। आप भी कैसी बात कर रहे हैं अंकल। मैं ठीक कह रहा हूँ, शायद आप मुझे नहीं जानते, मैं एक मोटर कंपनी का मालिक हूँ। कहीं आप 50 रुपए में कोई कार खरीदने का इरादा तो नहीं रखते? आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं महाशय। आप बात ही मजाक की कर रहे हैं साहब, आखिर आप मुझे अकारण ये रुपए क्यों देना चाहते हैं? आप इसके बदले में मुझसे कुछ तो अपेक्षा रखते होंगे। देखिए मैं सचमुच कुछ नहीं चाहता। ठीक है, आप इस समय कुछ ना चाहते हो, मगर आप बाद में कोई फरमाइश जरूर कर सकते हैं। हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हुजूर, बस ये रुपए आपको देना चाहता हूँ। आदमी दिलचस्प मालूम होते हैं आप, मगर श्रीमान जी
रुपया स्वीकार करने से पहले मैं कारण अवश्य जानना चाहूंगा। आप नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, मैं किसी दूसरी जगह कोशिश करूंगा। बेचारा इसके पास जाऊं वो युवक ठीक रहेगा। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? कैसा? अच्छा। देखिए, आप इन नोटों को लेना पसंद करेंगे? नोटों? हाँ, ये 50 रुपए के नोट हैं और मैं इन्हें आपको दे देना चाहता हूँ। 50 रुपए के नोट हैं और इन्हें आप मुझे दे देना चाहते हैं? जी जी। मैं आपको नहीं जानता मिस्टर, जाइए अपना काम कीजिए। किंतु ये मुफ्त के रुपए आपको नहीं चाहिए? जी नहीं चाहिए, जाइए। अगर ज्यादा नशा हो गया तो घर जाकर आराम कीजिए। अरे हुजूर, मैं बिल्कुल नशे में नहीं हूँ, मैं पूरी तरह होश में हूँ और ये 50 रुपए आपको मुफ्त देना चाहता हूँ। ओहो, अब समझा, तुमने ने कहीं से चुराया जी? और आप पुलिस के डर से इन्हें मेरे सर मरना चाहते हो, है ना यही बात? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो एक इज्जतदार आदमी हूँ और ये बस 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 बस, अब इज्जत के साथ यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, मैं एकांत चाहता हूँ। क्या जमाना आ गया है, आदमी को आदमी पर जरा भी विश्वास नहीं रहा। ठीक, मोटे से पूछना चाहिए, शायद मान जाए, चेहरे से भी मूर्ख प्रतीत होता है। श्रीमान, आपका शुभ नाम? मेरे नाम से आपको काम? असल बात यह है कि मैं ये 50 रुपए किसी को दे देना चाहता हूँ, बिल्कुल यूं ही दे देना चाहता हूँ। क्या आप इन्हें स्वीकारना पसंद करेंगे? क्यों साहब, आप क्या राजा हरिश्चंद्र के खानदान से हैं? मैं कोई भी हूँ, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे वाह साहब, फर्क क्यों नहीं पड़ता? अगर फर्क नहीं पड़ता तो ये नोट आप खुद ही क्यों नहीं रख लेते? मैं ये नोट किसी को दे देना चाहता हूँ, यूं ही। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता, यहाँ चोटी का पसीना एडी तक आता है तब कहीं जाकर 2 वक्त की रोटी मिलती है साहब, और आप हैं कि 50 रुपए किसी को यूं ही दे देना चाहते हैं? बिल्कुल यूं ही। भाई साहब, मुझे तो भरोसा नहीं। आपको भरोसा नहीं, कमाल करते हैं, ये देखिए, ये 50 रुपए के नोट है, आप इन्हें रख सकते हैं। छापा तो रिजर्व बैंक का ही लगता है, मगर साहब ये तो बताइए कि ये नोट आपको मिले कहाँ से? ये मेरे बेटा, सुनिए बेटा, आप वेटर को क्यों बुला रहे हैं? अरे साहब, मैं पुलिस को फोन करना चाहता हूँ। पुलिस? ये नोट नकली लगते हैं। नहीं, 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 मिस्टर, ये जगह सभ्य लोगों की है, यहाँ 420 बिल्कुल नहीं चलेगी। बेटा, कौन कहता है ये नकली है? ये बिल्कुल एकदम करेंसी है, आप बिल्कुल बैंक से जाके मालूम कीजिए। अरे साहब, मुझे बैंक जाने की क्या जरूरत, मुझे नहीं चाहिए आपके रुपए, और कृपया यहाँ से चले जाइए। कमाल है, मुझे आपने बुलाया साहब? अरे इन साहब को ले जाओ यहाँ से, मुझे पता नहीं कैसे कैसे लोग चले आते हैं। और सुनो जी, और मेरा खाना लेते आओ। हाँ, जरा पुलिस को फोन कर देना। पुलिस? जनाब, इस होटल में पुलिस? नहीं सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे अब बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर बात क्या है? बात कुछ भी नहीं है, मैं ये 50 रुपए यूं ही किसी को देना चाहता हूँ। क्या ये कोई गैर कानूनी बात है? कैसे रुपए? ये 50 रुपए। सुनो, क्या तुम इन्हें लेना पसंद करोगे? नहीं सरकार, आप मजाक कर रहे हैं। नहीं, ये मजाक नहीं, मैं तुम्हें सचमुच ये 50 रुपए देना चाहता हूँ। नहीं सरकार, मैं बाल बच्चों वाला गरीब आदमी हूँ, ये नोट नकली मालूम होते हैं। कमाल है, जरा गौर से देखो, बिल्कुल असली करेंसी है। अगर असली है सरकार, तो फिर आप खुद क्यों नहीं रख लेते, दूसरों को क्यों दे रहे हैं? भाई मैं तो रख सकता हूँ, मगर मैं इन्हें किसी को दे देना चाहता हूँ, तुम लेना चाहो तो मैं खुशी से दे दूंगा। नहीं जनाब, मैं भाई किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता। शट अप, रखो इन्हें अपने पास, क्या होगा तुमको? बिना कष्ट बिना मांगे तुम्हें 50 रुपए मिल रहे हैं और तुम लेने से इनकार कर रहे हो। तुम लेना नहीं चाहते ना, तो अपनी पत्नी को दे दो, बच्चों को दे दो। मगर सरकार, कोई गड़बड़ हो गई तो? कैसी गड़बड़, कमाल है, रखो इन्हें अपने पास और अभी काउंटर पर जाकर चेक करवा लो कि ये नोट असली हैं या नकली। धन्यवाद,
बहुत बहुत धन्यवाद सरकार, मैंने कहा था ना कि मैं गरीब आदमी बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, इसके लिए अपने पत्नी के लिए साड़ी खरीदूंगा, बच्चों के लिए मिठाई खरीदूंगा, खुश हो जाएंगे सरकार सब। धन्यवाद। क्यों बेटा महेश, तुमने सब अपनी आंखों से देख लिया ना? मैंने कहा था ना कि खाली हाथ लौटूंगा, देख ले खाली हाथ आया हूँ। हाँ, वेटर की ओर मेरा ध्यान नहीं गया, कैसे जाएगा। ठीक है, अब चलना चाहिए, काफी समय हो गया। हाँ चलो चलो। अरे क्यों, क्या हुआ? मैंने अभी तक बिल अदा नहीं किया। हाँ, तो अदा कर दो, वेटर को बुला दो। बेटा, मगर मेरे पास बिल देने के लिए पैसे कहाँ हैं? सुनो, तुमने वेटर को पूरे 50 के 50 दे दिए क्या? मैंने तो सारे दे दिए थे, मेरी जेब में कुल उतने ही रुपए थे। अब क्या होगा फिर? मैं क्या जानूं, बिल कौन देगा? तुम? मैं? हाँ, तुम क्यों, तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है क्या? नहीं नहीं, ये बात नहीं, मेरे पास पैसे तो हैं, वो तो चलो ना यार, काउंटर पर ही बिल अदा कर देते। काउंटर? अरे चल यार, चलो यार। वेटर। यस सर। कम हियर। यस प्लीज। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ एक आदमी था, जानते हो वो कौन था? नो सर। सुनो, वो मेरा मित्र है और थोड़ा पागल है। पागल? हाँ पागल। हाँ साहब, थोड़ा थोड़ा लगता तो था। उसने तुम्हें यूं ही 50 रुपए दिए होंगे? नहीं, हाँ हाँ दिए दिए थे साहब, दिए थे। तो सुनो, वो थोड़ी देर बाद यहाँ आएगा और हंगामा कर देगा, किसी ने यहाँ उसके 50 रुपए चुरा लिए हैं। सोचो उस वक्त तुम्हारी क्या हालत होगी। अरे नहीं साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, उन्होंने खुद जबरदस्ती। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं लौट कर आया हूँ कि तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो। थैंक यू साहब, ये लीजिए 50 रुपए, देखिए पूरे 50। मगर मैं इनका क्या करूँ? आपके मित्र हैं वो, आप अपने हाथों से ही उन्हें लौटा दीजिएगा साहब, वरना वो आ गए और उन्होंने मैनेजर साहब से जो मेरी शिकायत कर दी ना, तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं बाल बच्चों वाला गरीब आदमी साहब। अच्छा, उसके यहाँ आने से पहले ही उसे ये रुपए लौटाने होंगे। थैंक यू, थैंक यू। हे भगवान, अब ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा। कितनी आसानी से मूर्ख बन गया, कल इसे 10 रुपए टिप दूंगा। और राजू, राजू को बतलाऊंगा कि देखो मिस्टर, आत्मा इजाजत दे तो रुपया कमाना कितना सरल है, कितना सरल। सलाम बिन रज्जाक की लिखी नाटिका अभी आपने सुनी, शरारत। निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर।